काम कर रहे हैं कि फिरोजाबाद से नेपाल तक ना आ सर ये मान करता है इनकी भी मजबूरी है जैसे मेरी मजबूरी थी पार्टी बनाने की इनकी भी मजबूरी हुई मजबूरी इसलिए हुई कि दिल्ली में बैठ करके जनता का प्रभाव कोई आया नहीं जनता का काम आज की नौबत क्यों आ अब हम लोगों ने तो कलाई कर दिया नहीं आप तो जनता के बीच में रहे कभी जनता को समझे ही नहीं जनता को हमने तो इतनी भीड़ होती थी बताओ किसी को यानी किसी को भगाया अगर मेरे दरवाजे पर गया तो भीड़ की भीड़ होती थी तो मैंने किसी को बताया नहीं और दूसरी तरफ जाते थे तो गाली भी पड़ती थी झाट भी पड़ती थी होना पड़ता होना पड़ता हम जो हमने बुला रहे थे जब आने हमने जब चुनाव लड़ो वहां से जत्था उतार दिया और सही है कि अब जब मांग हो रही जनता की मांग हो रही तो मुझे 30 तारीख को जाना भी और मुझे अगर जनता ने मांग की तो मैं बिल्कुल चुनाव वहां से पार्लियामेंट में चुनाव और चुनाव इसलिए लड़ेंगे चुनाव हम लिए लड़ेंगे अगला 2019 में जो भी सरकार बनेगी बिना प्रगति समाजवादी पार्टी के नहीं बनेगी।